वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुनीत कुमार भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे? तो मैं इस समय खेत पर आया हूँ। चलो मैंने सोचा चलो यहाँ पर ब्लॉग बनाया जाए। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आप दिल थाम के इस वीडियो को देखें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये आपको, आपको ये दिख रहा होगा, ये मूली, ये सामने इसमें मूली कर रखी है, ये बंद गोभी है। और जस्ट आगे आपको लेके जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, इस खेत में गेहूँ कर रखे हैं। और जस्ट आगे भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इधर इधर मूली और बंद गोभी, जस्ट आगे आपको फूल गोभी। बंद गोभी जो बंद होती है वो उसे हम बंद गोभी कहते हैं। फूल जिसमें फूल निकलता है, सफ़ेद कलर का फूल होता है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये है फूल गोभी, ये देखो आप फूल गोभी, ये फूल गोभी, ये हाँ गेहूँ है। और सामने आप की नज़र पहुंच रही होगी तो गन्ना, जिस गन्ना है ये। तो यहाँ पे हर क्वालिटी की चीज़ होती है। और सामने मैं आपको उधर घुमा के लेके जाना चाहता हूँ, जस्ट इधर जी आप सामने देख रहे होंगे आम का पेड़ भी है। और आपको मैं आगे भी लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और मूली आपको उखाड़ के दिखाऊंगा। एक मूली जो है मैंने निकाली, और ये भाई ये देखो मूली, ये मिट्टी के अंदर होती है, मतलब इस तरीके से नहीं होती है, मिट्टी के अंदर से जब आप निकालो ये, इसे हम वैसे ये जड़ के जड़ की तरह होती है, और हम इसे खा भी सकते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं इसे। तो ये आपको मैं लेके जा रहा हूँ, तो आप सामने आपको एक खेत दिखाना चाहता हूँ भाई। ये देखो ये है लाई, ये लाई है, इसमें आपको पीले पीले फूल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हैं पीले पीले फूल, इसके फूल आपको देखा, ये वाला फूल दिख रहा होगा आपको, ये फूल है। तो ये फूल अब फली बनेगी, फली में जो दाना बनेगा, दाना जो दाना बनेगा, जब दाना उसमें निकाला जाएगा तो उस दाने में को हम किसी चक्की पे जाएंगे जहाँ तेल पिरता होगा, तो वो दाने पिरता, तो ये इसी दाने से तेल निकलता है। और लाई जो होती है, लाई भी होती है, वो लाई में जो काले दाने होते हैं, लाई और लैटे में फ़र्क यही है। तो ये आपको सामने, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने फैक्ट्री DSM शुगर मिल। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास के जितने भी गांव आपको पड़ते हैं, सभी गन्ना इसी में आता है। और ये फैक्ट्री काफ़ी जगह में फैली हुई है। और वास्तव में ये फैक्ट्री कहाँ पड़ती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नगरिया सादात और कल्याण नगरिया दोनों में ही पड़ती है। मतलब आगे जाओगे, मतलब एक तरीके से बॉर्डर मान लो, दोनों का बॉर्डर ही शेयर करती है ये फैक्ट्री। तो इस समय ये फैक्ट्री चल रही है, और हमारे गांव का जो गन्ना है इसी फैक्ट्री में जाता है। और इसी जो आपको गोदाम दिख रहे हैं, इसी में चीनी बनती है, फिर ये दूर दूर जहाँ जहाँ ये ट्रक वगैरह ले जाते हैं धो के यहाँ से। तो ये फैक्ट्री पहले DSM ना होके JK मिल्स हुआ करती थी, JK सिंगानिया की फैक्ट्री थी, उन्होंने DSM को बेच दिया। और आने वाले समय में इसमें एक और भी प्लांट लगने वाला है, तो मैं उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
तो चलो अब इतनी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।